Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова अज़ीज़ तलबा वालिबात आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई गुफ्तु और एक नए मौजू के साथ आज हमारी गुफगू का मौजू दक्कनी नज़म या दक्कनी शायरी है उर्दू को अपनी इस जिस शायरी पर फ़ख्र है उस शायरी की बुनियादें दक्कनी शायरी में हैं इसलिए दक्कनी शायरी के इरतका को समझे बग़ैर उर्दू शारी को समझना मुमकिन नहीं दनी जबान अदब की तारीख को उमूमा चार अवा में तकसीम किया जा सकता है गुजरी दौर जो दस सौ पंद्रह ईस्वी से सत्रह सौ सात तक की जमाने को मोहित है बेहदी दौर जो तेरह सौ पचास से शुरू होकर पंद्रह सौ पच्चीस पर खत्म होता है आदिलशाही दौर जिसका जमाना चौदह से सोलह तक फैला हुआ है कुतुब शाही दौर जो 1518 से सोलह तक के ज़माने को मुहित है गुजरी दौर में शाहबाजन काजी महमूद दरियाई शाह आलम जीव गाम धनी और खूब मोहम्मद चश्ती के जैसे शौरा शायरी की बुनियादें वज़ा करते हैं जबानों की तारीख यही बताती है कि पहले शायरी ही अदब का अवलिन तजरबा बनती है जो कि गुजरी दौर की शायरी उर्दू ज़बान के तशीली दौर से ताल्लुक़ रखती है इसलिए ज़बान में उखड़ा उखड़ापन है खूब मोहब्बत चश्ती के कलाम में हिंदवी राग रंग का गरबा है हिंदी अस्ताफ़ी का चलन भी है उर्दू ज़बान का एक इब्तदाई ढांचा तो तैयार हो जाता है लेकिन अदब की बायदा रिवायत क़ायम होने में अभी देर थी बेहनी दौर के शुरा में फख्रदी निजामी, नज़ामी अशरफ बयाबानी मीरानजी शमसलशाख का शुमार होता है यह शोरा सूफ़ी थे और तर्ज ज़िंदगी भी सूफियाना था गुजर दौर के शोरा की तरह इनके कलाम में भी हिंदवी बहूर वज़ान और हिंदवी लफ्ज़ियात की तरफ झुकाव ज़्यादा है फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनभी कदम राव पदम राव हिंदवी असातर पर बुनियाद रखती है मीरा जी और अशरफ बयाबानी के कलाम में फ़ारसी अल्फाज की आमजिश के बावजूद हिंदवी जबान का रग गहरा हैदिल शाही दौर में मस्तवी को फ़र्व मिलता है फ़ारसी बहूर व अवज़ान से शरा इस्तफा करने लगते हैं शायरी के मौजूद में तस्वु मजहब और अख्लाक के अलावा इश्क भी शामिल है मरासी व क़साइद के अलावा गज़लें भी लिखी गईं इस दौर के अहम शरा में हसन शौकी मरिक खसदूद नुसरती मुकीमी सनती इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु शाह बुरहानुद्दीन यादम अमीनुद्दीन अला अब्दुल शहबाज हुसैनी ख्वाजा मोहम्मद दीदार फानी आजिज़ रस्तमी अली आदिल शाह शाही सैद मीरा मियाँ खां हाशमी मोहम्मद अमीन अयागी वग़ैरह शामिल हैं गुजरी अदबी रिवायत गुजरात में ख़त्म हो जाती है लेकिन बहमनी दौर की शायरी और आदिल शाही दौर की शायरी में ये पूरी तरह दकनी में रस बस जाती है गुजरी शौरा के कलाम में भी सुुफिया रिवायत एक मौसर कवत के तौर पर कारफरमा है यही सिलसिला बहमनी दौर में भी बरकरार रहता है आदिल शाही दौर में शाह बुरहानुद्दीन जानम और अमीर आला मीरान जी की सूफियाना रिवायत की पासदारी करते हैं गेसु दराज ने चक्की नामे लिखे थे इस दौर में मेज़बानी नामे फ़तेह नामे यानी हसन शौकी के बतरज रज़िया और इसी तर्ज का रजमियाँ नुसरती का अली दामा शौरा की कलामी के बसर हैं निज़ामी के बाद आदिल शाही में मसनवी को बेहद फ़रोग मिलता है मुक़ीमी सनाती और नुसरती मसनवी के फ़न को बुलंदियों से हमकान करने में अहम किरदार अदा करते हैं शायरी लसान पर हिंदवी असालीब व लफ्जियात का रंग अब भी गहरा है लेकिन फारसी बहूर और अल्फाज की शमूलियत में तेज़ी से इजाफा होने की वजह से एक ऐसे मुतवाजन उसलूब की तरफ दनीनी शायरी रवा दवाँ है जो बिल आखिर वली वराज की शायरी में अपना रूज पा लेती है शाही के कलाम में सरापा नगारी उसकी आशकाना व जमार परस्त परस्बीयत के अबाज है शाही को उर्दू में रेखती का मजिद भी कहते हैं हिंदवी असरात के तहत औरत की ज़बान में औरत के जज्बात और महसूसत को ज़बान देने की वो पहली बार बुनियाद रखता है कुतुब शाही दौर के अहम शरा में मुला ख्याली महमूद मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुला वजही ग्वासी अहमद गुजराती अब्दुल्लाुतब शाह और इब्न निशाती शामिल हैं मसूद हसन खान ने फ़ेरोज़ की कुदरत कलामी को क से नस्बत दी है और उसे एक माहिर फन उस्ताद और ज़बानदान करार दिया है फ़ेरोज़ के यहाँ बकुल तबसम काश्मीरी दकन की मकामी औरत के सांवले सलोने हसन का वजूद पहली बार उभरता है दकनी अदबी रिवायत की तमीर और उसकी तोसी में फ़ेरोज़ के अलावा ख्याली और महमूद की खदमात भी गैरमूली हैं तबसुम काश्मीरी ने तो महमूद को न सिर्फ मजहब इश्क का पहला शायर कहा है बल्कि वली का पेशरो भी करा दिया है मोहब्बत कुली कुतुब शाह कुतब शाही का बाणी और एक सरतापा आशिक मिजाज शायर था मुग़लों की तरह उसे भी अज़ीमशान इमारतें तामीर कराने का शौक़ फरावा था अपने मजहबी अक़ीदे में इंतहा पसंद होने के बावजूद मकामी तहजीबी रसूमत और रिवायात और फन मौसीकीी और निशात अंगेज़ अंजुम साजियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी मोहम्मद कुली का जमालियाती तर्ज एहसास बेहद तबाना था और मामलात इश्को हवस के इजहार में उसकी बिला खौफ़ी की मजहर प्यारियों वाला सरसा नजम है जो उर्दू शायरी की तारीख में एक नया तजर्बा भी था उसकी शायरी में बासराती और लमसियाती लजत अंगीज़ का अनसर कालीदास की कुमार संभव और अमरू के शतकों की याद दिलाता है मोहम्मद कुली ही पहला साहिब दीवान शायर भी है वजह की कुतुब मुश्तरी गवासी की मीना सतवंती सैफुलमलूक व बदुलजमाल तोती नामा और गज़लों से उसके मुनफरद लसानी शूर की नुमाइंदगी होती है मीना सतवंती हिंदवी उसलूब की मसर है सैफुलमलूक बदुलजमाल में फ़ारसी ज़बान की आमजश उसके इसलूब को किसी कदर रवा और शिकफ्तः बना देती है लिसानी सतह पर अब दनी अदब में फारसी या सालिब तेज़ी के साथ अपना असर दिखा रहे हैं अहमद गुजराती की लैला मजनू यूसुफ जरेखा और गजलें भी उन लसानी तब्दीलियों के साथ मरबूत हैं इब्दिनिशाती की फूलबंद भी इसी सिलसिले की कली है उसका मौजू भी दास्तानी नोयत का है और उसलूब में नस्बता पुख्तगी वागत है फूलबंद की जबान में आने वाले ज़माने में अदबी ज़बान क्या होगी उसकी हुमक को महसूस किया जा सकता है वली और सिराज औरंगादी उर्दू शारी की तारीख में लिसान शारी की एक तहरीक में एक महमेस का काम करते हैं उन्हें हम शुमाल जनूब को जोड़ने वाली कड़ी भी कह सकते हैं और कदीम को जदीद से अलहदा करने वाला यही वो मरहला भी है जहाँ से कदीम रुखत हो रहा है और जदीद की आमद आमद है दकनी मस्तवियों की तारीख में जिन शाँ की मस्तवियाँ एक बुलंद मैार कायम करती हैं और जो अपनी ज़बान रबतल अछूती तशबीत व इसतारात फ़जा साजी और क़स्सा वास्तान की नुदरत के बाईस तवज्जो अंगेज़ हैं उर्दू अदब की तारीख में आज भी वह हमारी गुफ्तु का ख़ास मौजू हैं यूँ तो गुजरी दौर के शहरा ने भी मतदद मस्तवियाँ लिखीं लेकिन वो उमूा मख्तसर हैं और उनका मौजूश शरीत तरीक़त या तसवुफ़ के मसाइल की तशरी ताबीर है मसही की अवलीन मिसालों की वजह से उनकी बहज़ लसानी व तारीख़ी अहमियत है बहमनी दौर में उर्दू एक कदीम तश्ीली दौर से गुजर रही थी और अदबी सतह पर एक ऐसी फ़जा कायम हो रही थी जिसमें उर्दू अदब को नशो नुमा पाने का मौका मिल रहा था इस दौर का अमूमी जहनी व जज्बाती रुझान मजहबी व मतसवफाना अकायद की तशरी व तरवीज और की तरफ है जिसके के तहत एक ऐसी ज़बान के फ़रु पाने के इम्कान ज़्यादा रोशन हो जाते हैं जो महज तलकनी ज़रूरत और अखलाकी तरबियत के लिए मौजू मनासब है जबान अदब की तारीख़ में इस तरह के मराहल पहले वाक़ होते हैं बहुत बाद में जाकर अदबी ज़बान वजूद में आती है फ़ख्रदी निज़ामी की कदम राओ पदम राओ एक ऐसी ही मसही है जो लिसानी और अदबी अतबार से मुकदम हैसियत के हामिल है नसीरुद्दीन हाशमी और जमीजाजी ने इसे चौदह सौ इकसठ की तस्वीर बताया है गुजरी दौर की मुतसवाना रिवायत से ये अलग एक राह निकलती है फाकुलफ़ित अनासर और बुनियादी कस्से के दास्तानवी नजम ज़ब्त से यही अंदाज़ा होता है कि निज़ामी एक तख्लीकी कारनामा अंजाम देना चाहता था निजामी से कबल ऐसी किसी मसहबी का पता नहीं चलता जिसका मौक़ अदबी हो और तख्ल के आज़ाद जौलानियों से जिसमें काम लिया गया हो ऐसा महसूस होता है जैसे फारसी मसहवियों की रिवायत और उसके फनी लवाज़िम तकाज़ों का उसे पहले से इल्म था निजामी ने मसहवी का अदबी नमूना तख्लीक़ करके मसहवी का जौक़ पैदा किया और ये तसवुर फ्राहम किया कि मौजूद के लिहाज से मसवी का दामन बेहद वसी है उसमें लचक है तख्ल की खुद और आज़ादाना सरगर्मी को भी जिसमें बरुकार कार लाया जा सकता है निज़ामी ने हिंदुस्तानी फिक्र तहजीब नीज रसूम से भी रोशनी अक्स की और हिंदवी अक़ीद तकलीब या नकाया कलब पर अपनी कहानी की बुनियाद को इस्तवार किया लिसानी सतह पर पंजाबी गुजराती मराठी के साथ संस्कृत और प्राकृतों के अल्फाज के तालमेल से ज़बान का जो रंगोरूप उभर कर आया है उससे शहरी लिस्ान को वसअत मिली है किसी भी ज़बान की तशकिल के दौरान में इस तरह के अख्तलात वाद की सूरतों का पैदा होना एक फितरी अम्र है अशरफ बयाबानी की नौसरहार चौदह सौ उनसठ की तस्दीफ है इसका मौजू व करबिला से मुतल है जिसकी महज तारीखी व लसानी कदर कीमत है दर हकीकत मसबीक को ख़ास फरोग बेपुर मिलता है अब्दुल का इब्राहिम नामा इब्राहिम अदिल शाह की नौरस आजि की यूसुफ जिलेखा और लेला मजलुम मलिक खुशनूत की जन्नत सिंगार सनती की क़स्ब नज़ीर और गुलदस्ता रस्तमी की खावर नामा नुसरती का अली नामा हाशमी की यूसुफ जुलखा हसन शौकी की फ़तहनामा निज़ाम शाह और मेजबानी नामा का शुमार इस दौर की अहम मस्तवी में होता है इब्राहीम आदिल शाह बीजापूर का वो पहला शायर है जिसने अपनी मसनवी नौरस में गैर मजहबी मौजू को बुनियाद बनाया है इब्राहिम राग रागनीों के फन से पूरी तरह आगा था ये एक इंतहाई दिक्कत तलब मौजू था लेकिन इब्राहिम ने मौसीकी की अलाहत के इस्तेमाल से नौरस को बोझल नहीं बनने दिया अब्दुलज्यादा कदरलक्राम था उसकी मसनबी इब्राहिम नामा अपने अहद का एक नहायत दिलकश तहजीबी मरक़ा है चंद्र महियार में मुकी ने आम बोल चाल को तखलीकी आबो रंग देने की कोशिश की मलिक खुशनूत की मस्तवी जन्नत सिंगार सनती की कस्से बेनज़ीर और गुलदस्ता और नसरती का अली नामा को कई एतबार से अहम मस्वियों में शुमार किया जाता है जन्नत सिंगार में बहराम गोरख क़स्सा नजम किया गया है दासनों की तरह इसमें भी किस्सा दर किस्सा तकनीक इस्तेमाल की गई है मलिक खुशनूद ने बहराम गोर के किरदार को असातरी बनाने की कोशिश ज़रूर की है लेकिन उसे किरदार साजी का फ़न आता था तशबी साजी में भी उसने जावाजा जा कमाल फ़न का मुज़ाहरा किया और तसलसल में कहीं झूल नहीं आने दिया सनाती ने शबैम अंसारी के बेनज़ीर में नजम किया मसवी में बारह मकामा दरमियान में वाक़ होते हैं और हर मकाम से एक नया किस्सा शुरू होता है किस्सा दर किस्सा की ये तकनीक भी सनती ने दास्तानवी फ़न से अक्स की है मतवी में जा बजा फौकफरी वाकआत तो किरदारों से सबका बढ़ता है सनाती मंजर निगारी और जुजियात निगारी में भी कुदरती कलामी के जौहर दिखाता है रस्तमी ने खबरदामे में हजरत अली का जरदार तश्किल दिया है वो यकीन उसकी महारत फ़न का सबूत है लेकिन उसने हज़रत अली के किरदार को हक़ीक़ी के बजाय असातरी नोयत का बना दिया है वाक़ महमात मकाम और हती के सारी फ़जा पर फोकुलफित्री रंग हावी है खावरनामा के बरखिलाफ अली नामा में नुसरती ज़्यादा हकीकत पसंदी का तासर फराहम करता है नुसरती की गुलशदश्क़ और इसकंदर नामा भी अहम मस्तवियाँ हैं गुलशदश में मदमालती और मनोहर के इश्किया किस्से को नज्म किया गया है यह मस्तवी प्लाट के व जब्त किरदार निगारी और मंज़र निगारी के अतबार से एक आला दर्जे का कारनामा है नुसरती का दूसरा बड़ा कारनामा अलीनामा है जो एक रजमी है जिस पर खुद उसे नाज था वो उसे शाहनामा नाम से मौसम करता है रजम की नक्शा कशी में तखीआरई से काम लेने के बावजूद वह सदाकत आफरीनी का दामन हाथ से जाने नहीं देता नुसरती बिलाशुबा एक क़राम शायर था बेजापुर के दूसरे अहम मसहवी नगारों में हसन शौकी मौज़म और शाह अबुल हसन के भी की भी खास अहमियत है कुतुब शाही दौर में गोलकुंडा के की जिन मसहवियों नगारों ने अपने बेहतरीन फन का मुजाहरा किया उन वजही की कुतुब मुश्तरी अहमद गुजराती की यूसफरेखा अहमद जुदैदी की माह काबिल जिक्र हैं इनके पहलू ब पहलू जिन शौरा ने मस्तु के फ़न को नई बुलंदियाँ फराहम की हैं उनमें गवासी और इब्दिनिशाती की खास अहमियत है गवासी एक कादरकाम शार था उसे मलिकरा के खि से सरफराज किया गया था उसे कई शरा ने खराज तहसिन भी पेश किया है और उसकी इसदारी का लोहा माना है ग्वासी ने आला दर्जे के कसाइद और नज्में और गज़लें भी लिखीं लेकिन बस्तवी निगार की हिस्से से उसका मरताब सबसे बुलंद है दनी बस्तवियों की तारीख में मीना सतवंती और सैफुलमुलूक व बदरजमाल को एक ग्रा कदर कारमा का दर्जा हासिल है ये दोनों इश्किया दास्तानें हैं जिनमें ग्वासी ने किरदार निगारी जज्बात निगारी और माहौल कशी ही नहीं कस्सा गोई के बयान में भी डरमाइयत तसलसल और नजम्त का बाहर तौर लिहाज रखा है तोती नामा वासी की आखिरी मस्तवी है जो नक्शबी के तूती नामे का तर्जुमा है और जिसमें पैंतालीस शिकायतें बयान की गई हैं जमील जालेबी सैफुलमरूक और मीता सतवती के मुकाबले में तूती नामा की जबान को ज़्यादा फारसी आमेज़ और मौसर बताते हैं गुजरी और बहमी दौर में दूसरी असनाफ़्त तो मिलती हैं गज़ल की कोई मिसाल कायम नहीं हो सकी आदिल शाही दौर में शोरा गज़ल शहरा तरफ भी मतवजे हुए हैं जमील जालिवी ने शहबाज़ हुसैन कादरी बिजापुरी और ख्वाजा फ़ानी वफास सोलह सौ सात की गज़लों का हवाला भी दिया है लेकिन इन गज़लों में भी या तो हिंदवी अल्फाजी कसरत है या उन पर मजहब मोज़त का रंग हावी है गज़ल ने अभी अपनी म, अपना मिजाज नहीं पाया है मलिक खशदूद की गज़ल थोड़ी साफ ज़रूर हुई है जैसे अगर दुनिया में रखता है तो रखी ईमान सू खजाना दे मोहब्बत का रहूँ तुझ सो यारब इन अशार से साफ पता चलता है कि गज़ल इस दौर के मजहबी मुतसरफाना और नासहाना मैलान ही की ताबें है फ़ारसी बहर वजन का शूर पैदा हो गया है हिंदवी अल्फाज की जगह अब फारसी अलफाज तलफ़ के साथ इस्तेमाल होने लगे हैं जबी जालिबी भी ये मानते हैं कि वो आवेजिश और कशमकश जो हिंदवी और फारसी तर्ज़ एहसास के दरमियान एक अरसे से जारी थी अब ख़त्म हो गई है बावजूद इसके गज़ल अभी भी गीत के लफ्जात और मुहावरे से बाहर नहीं निकल सकी है पहली बार हसन शौकी के यहाँ अपने तहजीबी रंग आहंग और मखसूस मिजाज व हलावत के साथ इसमें निखार पैदा हो जाता है जमीन जाली भी कहते हैं कि गज़ल के नक्श व नगार पहली बार एक बायदा रिवायत की शक्ल में हसन शौकी कहाँ उभरते हैं वो उर्दू गज़ल की रिवायत की वो दरमिया कड़ी है जो वली की शायरी से जा मिलती है हसन शौकी के, के इनषार में फारसी उसलूब और फारसी गज़ल के अमूमी मजामी के अलावा मुतरम बहर के इस्तेमाल से जो फ़जा कायम होती है वह आज की ग़ल के कारी के लिए भी मानूस और कशिश आवर है अगर मजदूँ की तुर्बत पर गुजर जाऊं, दीवाना हो कि मजदूँ हाल पर मेरे कुंजो देखे दरकफन लर्जे अगर इश्क़ हकीक़ी में नहीं सादिक हुआ शौकी वर मकसूद खुद हासिल किया है इश्कबाजी में या जुल्फ या तहरीर है या दाम आलमगीर है या शहर की जंजीर है जगकी परेशानी सबब शाही नुसरती अयागी मोहम्मद कली कतुब शाह या शाइ अहमद गुजराती की गज़ल गजल की रवायत को इसकाम बख्शती है लेकिन इन शरा की गजल हसन शौकी के गज़ल के मायार को नहीं पहुँचती ग़ज़ल के मायार को नई बुलंदियों से हमकदार करती है वली की गज़ल जो सिराज औरंगादी ही नहीं शुमाली हिंद में भी उर्दू गए एक तहरीक एक महमेस का बायस बनती है वली बुनियादी तौर पर हसन प्रस वा हुए थे उन्होंने मुतरन बहरों का इस्तेमाल किया लफ्ज़ों के असवाती तंजीम पर तवज्जो दी गई तासुर को उभारने की कोशिश की गजल को महज मुतरफाना जज्बात के बजाय जतीी महसूसात के इजहार का वसीला बनाया खूबसूरत रदीफ, लदीफें खर्क कें और काफी के अहतमाम में चाबुकदस्ती का मुजाहरा किया वली की गजल का नुमाया आहंग निशातिया और कैफावर है शगुफगी और बेसाख्तगी कांसर उसके हसन और तासीर को दुबला कर देता है वली कदीम और जदीद के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखते हैं उनके असर के हल्के गहरे निशानात से उर्दू गज़ल की तारीख मामूर है वली के कुछ अशार बसरी हिस्स के नमूने हैं यानी और वलीग महबूब के जिसमानी अजा को जिस सरापाई सरापाई फ़नी महारत के साथ पेश करते हैं और गजल में एहसासियत यानी सेंसोसनेस को जिस लताफत के साथ बुरार लाते हैं ये चीज़ें उनसे पहले किसी शायर का तजर्बा नहीं बनी थी वली कैफियात को मुजसम बनाने पर गैरमू दस्तगा रखते थे उन्हें हम उर्दू शायरी का पहला शबी साज़ और साज भी करार दे सकते हैं मस्ंद गुल मंजिल शबनम हुई देख रुतपा दीद दे बेदार का सदम के लाल पर वक्त तकल्लुम लगे याकूत है ऐ नूर जानो दीदा तेरे इंतजार में मुद्दत हुई पलक सू पलक आशना नहीं इस तरह की मुशाबहतों से हमें पहली बार सबका पड़ता है तेरा मुख मशरकी हसन अनवरी जलवा जमाली है नए अंजामी जबी फिरदोसी बाबरू हिलाली है वली दर हकीकत जमाल महबूब के आशिक ही नहीं आरिफ भी हैं महबूब के हस्न व जमाल के वो मदासरा वो वो हैं और नए नए आसमाय सिफ़ात से उससे सरफराज करने में खुश आहंग तरकीबात के इस्तेमाल में भी उन्हें महारत हासिल है सैयद अब्दुल्ला तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ जमाल ज़िंदगी के वसाफ़ और कसीदा खां कहते हैं वली के फौरी बाद सिराज औरंगाबादी गज़ल की इस रवायत को अपने लहन से एक नया आहक बख्शते हैं जिसे वली ने कायम किया था सिराज के यहाँ जज्बो मस्ती की कैफियत वली से ज़्यादा है वली ने गज़ल को ठेठ गज़ल के मिजाज से आशना किया था और उन मजामी गज़ल को एक नई आप के साथ अपनी गजल में समोया था जिनसे फारसी गज़ल की मानवी बाफ़त तश्किल पाती है वली के बाद सिराज ने उसे बड़ी ख़ूबी के साथ बरता और उसकी तोसी की सिराज की शायरी में इश्क और तस्फ़ का मैलान एक दूसरे के साथ हम आहंग होकर एक वहदसि कायम कर देता है सिराज का तसवुफ़ उनका दाखिली और रूहानी तजर्बाही नहीं वारदात भी है इन इनार की गूंज आज भी अवान शेर में सुनाई देती है जिसमें रज़ इमायत भी है शिद्दत एज़ास भी और तरंदम गाँ के शुरू की झलक भी खबर तहर ईश्क सुन न जुनू रहा न परी रही न तो तू रहा न तो मैं रहा जो रही सो बे ख़बरी रही दीवाना क़ैद होश से आज़ाद हो गया शिक्र खुदा के पाओं की जंजीर कट गई वली और सिराज दकन में किताब का आखिरी बाप थे उनके बाद अंजुमन शेर की इस शमा का रुख शुमाली हिंद की तरफ हो जाता है जिससे गजल को एक नई आबोताब मिलती है और उसके नाम से मीर गालिब जैसे कई नए जहान आबाद होने के इम्कान रोशन हो जाते हैं गुजरी दौर की शायरी में हिंदवी अवज़ान बहूर और मुकामी असनाफ़ का इस्तेमाल कसरत से मिलता है बाजंद के दौरे हिंदवी रिवायात और और भक्ति श्रा जैसे तर्ज़ एहसास के मसर हैं काजी महमूद दरियाई के कलाम में कृष्ण भक्ति का रंग गहरा है शाह शाह अली मोहम्मद जेव गामधनी के बहुरज़ान भी मुकामी रवायत से माखूज हैं, हैं। कमोबश यही सूरत खूब मोहम्मद चश्ती की खूब तरंग की तमसीली हकायत में नज़र आती है बहमनी दौर में निज़ामी के अलावा गेसुदराज शमसलशाख के अशरफ बयावानी के कलाम में फारसी लसान की आमजिश के बावजूद संस्कृत ब्रज और गजरी के अल्फाज असालिब ने उन्हें अवामनास के लिए मुनास, मानूस बनाने में अहम किरदार अदा किया आदिल शाही दौर में भी ये रिवायत अपना असर दिखाती रहती है इब्राहिम आदिल शाह की किताब नवरस में हिंदुस्तानी डागरागदियों -राग पर बबदी गीतों को तरतीब दिया गया है इन गीतों के अवजान भी भी हैं बुरहानुद्दीन जानम के यहाँ भी भक्ति शायरी जैसा रंग हावी है अमीरुद्दीन अला ने भी अपने गीतों में आरफाना जज्बात को हिंदबी रंग आहंग के साथ पेश किया है नुसरती की गुलशन इश्क में असातरी व दास्तानी असाली का इमतज़ाज़ मिलता है अक्सर शराय के यहाँ हकीकत और मजाज की यकजाई की सूरतों को संस्कृत जमानारियात के असर का नतीजा भी कहा जा सकता है इश्क जो भरतरी हरी अमरू कालीदास और विद्यापति की शायरी और बारह मासों में दस्तियाब है उसमें हकीक़त मजाज में बौझ भी है और कहीं कहीं वो यकजाई का तसुर भी फ्राहम करता है कम बस यही सूरत हमारे अक्सर शराय के कलाम में कुछ इस तरह दर है कि एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल है हमारे कदीम तरीन गज़ल गली कुली शाह के ये कलमात कुछ इस किस की कैफियत के, के मसर हैं सब इख्तियार मेरा तुझ बात है प्यारा जिस हाल सू रखेगा है वो खुशी हमारा नैदा अनझू सुधू पक अब पलकों सू झाड़ू जे कोई ख़बर सो लिया वे मुख फूल का तुम्हारा बुद खाना तेरे हौर ये तौरेत तो नैन क्या पुतलियाँ मुझे नैन है पुजारी पूजा पुझा अधा हमारा मतले में जबर क़द्र या जबर अख्तियार की तरफ इशारा है जो हमारे जहनों को एक ऐसे माबदुल तबियाती मसले की तरफ मुनातब करता है जिसे उर्दू शायरी में एक मुस्तकिल मजमून की हैसियत हासिल है दूसरे शेर में सदम तराशी की सूरत है यहाँ महबूब हकीक़ी महबूब मजाजी में बदल गया है नयन पग पलक मुख और फिर नयनों के लिए बुतखानी की तमसील, फिर पुतलियों के लिए बुतों का इसतारा गोया शायर या आशिक जिसका सीधा गुजार है वो मशूक एक इंसानी पैकर ही नहीं रखता बल्कि इंसानी सफ़ायात से भी मुतसफ़ है हम इन अशार को बड़ी आसानी और थोड़ी बहुत तावील के साथ मजाजी मफहम का आबो रंग दे सकते हैं कुली कतब शाह से कबल फ़खरुद्दीन निज़ामी के राव पदम राव उसूर साजी का पहला बरक़ा है जो कॉलेज के लफ्ज़ों में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानि अदम तयन को कुछ देर के लिए करने का तकाजा करता है इस सारे किरदार सारे वाक़ात की बनत और सारी फ़जा मुहर अक़ूल है और जो पहली नजर ही में हमारी तोज्जो को हिंदुस्तानी रिवायत हिंदुस्तानी माशरत और हिंदुस्तानी तहजीब की तरफ माइल कर देती है उसका अंजाम भी तरबिये पर होता है जिससे संस्कृत ड्रामा और शायरी की एक अमौ शनाख्त वाबस्ता है कली कतुब शाह वो पहला शायर है जिससे पहली मरतबा हिंदुस्तानी मौसमों त्यौहारों और रसूमा को नजमी नहीं किया बल्कि अपने तर्ज ज़िंदगी में भी मकामी बुदबाश हथियार करके एक ऐसी रवायत की बुनियाद रखी जिसके हल्के के गहरे रंग में लखनऊ और दिल्ली के कई फरमा रवा रंगे हुए थे कली कतुब शाह की तबीयत की रंगीनी उसके मिजाज की आज़ाद रवि, उसकी खुशबाशी और आशिक मिजाजी उसके हरकतम ही से नहीं उसकी शायरी से भी पूरी तरह यहाँ है अपनी शायरी में वह एक सरापा आशिक के तौर पर उभरता है जिसका कलेमा मोहब्बत है और अकीदा हुस्न परस्ती, वली की गज़लों में यही लय एक महजब पाया इख्तियार कर लेती है और सिराज औरंगादी की गज़ल में यह लय और शदीद हो जाती है जो गंभीर भी है और हद दर्जा शायस्ता भी वली और सिराज का महबूब हकीकी भी है और मजाजी भी वह एक इंसानी रूप भी रखता है जिसके लिए उनके अंदर वही तड़प वही जासूसी और वही बेअ्तियारी है जिनसे कोई आश वफ़ा पेशा आलम फ़राक में गुजरता है ये फ़राक मबूद हकीीक़ी से दूरी का इस्ती भी है अगर मोहन करम सू तरफ आवे तो क्या होवे अदा सू इस कदर नाजुक को दिखलावे तो क्या होवे है तेरे नैन ने कैफ़ी मस्ती तुझ मुद ख़बरदार किया है बेखबरी को दिल मेरा खून पज़ीर गम है सिराज हिजर की आग का समंदर है तड़पना तिल मिलाना गम में जलना खाक हो जाना यही है इफ्तार अपना यही है एतबार अपना सिराज औरंगादी सिराज औरंगादी के इन्हीं अशार के साथ हम दकनी शायरी का अपना ये सफ़र तमाम करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर किसी रोज़ नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे